बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब बात करेंगे। डॉलर रेट आज भी 284 से 285 यानी 284-285 रुपए अराउंड में ही रहा। ओपन मार्केट में डॉलर भाई अभी भी 290 रुपए या 90 रुपए प्लस में ही है, यानी कि 300 का फिगर ईद आ गई है लेकिन डॉलर का 300 का फिगर नहीं लगा है। ये बात क्यों कर रहा हूं मैं, देखे मैं पहले अगर आज से 10-15 दिन पहले की बात करें तो अपनी बात के ऊपर अब आदमी को कायम रहना चाहिए। मैं उस टाइम ये बोलता था कि ईद के ऊपर हो सकता है डॉलर 300 का फिगर लग जाए डॉलर का। तो रियाल के रेट के अगर मुतालिक बात करें तो मैं बोल रहा था कि 80 रुपए पर जा सकता है ईद के नजदीक। हाँ, ईद में अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं ये तो कन्फर्म है, लेकिन आज का जो रियाल का रेट है जी वो पाकिस्तानी रुपया के हिसाब से 76 रुपए 2 पैसे और इंडिया 21 प्लस एंड बांग्लादेश टका 28, इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया 21-22 एंड बांग्लादेशी टका 28-30-40 इसी राउंड में चलते रहते हैं। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं, अगर पाकिस्तान में वैसे इस वक्त आप रियाल लाकर पाकिस्तान में चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आपको 76 रुपए से लेकर 76 रुपए 30-40 पैसे तक रेट मिल सकता है पाकिस्तान में भी। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया में इससे इस वक्त आप 5,000 रियाल भेज रहे हैं तो आपका मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए बन रहा है या 4 लाख रुपए बन रहा है अगर हम बात कर लेते हैं, तो वही 5,000 रियाल अगर पाकिस्तान में आप लाकर चेंज करवा रहे हैं तो आपको 4,10,000 यानी कि 5 से 10,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये कन्फर्म बात है। और एक भाई के मतलब मैं पिछले दिनों बता भी चुका था आपको कि वीडियो में ये भी बात ऐड करता चलूं कि उसके पास तो 30,000 रियाल थे, 30,000 रियाल तो मुझसे रबते में था, मैंने उसको बोला रोक कर रखें वहां सऊदी अरेबिया में। बाद में बोला मैं भाई छुट्टी आने वाला हूं तो क्या यहां से भेज कर आ जाऊं साथ। मैंने बोला साथ लेके आ, कोई मुश्किल नहीं। वो साथ लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पहुंचा और पाकिस्तान में यहां पर उसने चेंज जब करवाया तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए अराउंड में उसको फायदा हुआ था। 1.5 लाख रुपए अराउंड में उस बंदे को फायदा हुआ था पाकिस्तान में रियाल लाकर चेंज करवाने के लिए, बस इतना फायदा हुआ था उसको। तो बहरहाल जी अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो आज मनीग्राम का जो आज का रेट है 75 रुपए 13 पैसे 23 रियाल एंड 17 रियाल इनकी फीस होती है। अगर हम टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करते हैं तो इनका रेट आज का 75 रुपए 2 पैसे 15, 17 और 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर हम बात करें वेस्टर्न यूनियन की तो वेस्टर्न यूनियन 75 रुपए 19 पैसे आज का रेट और 23 एंड 17 रियाल इनकी भी फीस होती है। तहवील राजी, राजी बैंक फेवरेट है परदेसियों का, इंजाज एंड राजी, तो इनकी अगर बात करें तो इनका आज का जो रेट है जी 74 रुपए 86 पैसे 10, 17 और 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। वैसे एक बैंक है सऊदी पोस्ट के नाम से, ठीक है सऊदी पोस्ट, और वहां से भी पैसे भेज सकते हैं आप। मैंने भी 1-2 दफ़ा भेजे जब मेरा इकामा एक्सपायर था तो बहुत से भाई भी भेजते थे। अभी भी वो इकामा एक्सपायर होने के 6 माह बाद तो उस बैंक से आप पैसे भेज सकते हैं, रेट भी उनका ठीक होता है, लेकिन ना जब 6 माह से ज्यादा अगर इकामे को एक्सपायर मुद्दत गुजर जाए तो फिर नहीं वो भेजते हैं। अगर हम बात करें STC पे की जी तो STC पे का रेट 74 रुपए 83 पैसे और 17 रियाल इनकी भी फीस है। फौरी बैंक यानी कि बैंक जीजा की अगर बात करें तो इनका रेट 74 रुपए 88 पैसे 10, 17 और 25 रियाल फीस के साथ, और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक 74 रुपए 73 पैसे 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर क्विक पे की बात करें तो 75 रुपए 9 पैसे रेट दे रहा है क्विक पे, 10, 17 और 25 रियाल फीस इनकी भी होती है। ओवरऑल बात करें बैंकों के हिसाब से तो इस वक्त 75 रुपए अराउंड में बैंकों में रेट चल रहा है जो कि ईद के ऊपर बेहतर होगा।